अच्छा हमको वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हमने स्टार्ट किया कोंटम मकैनिक्स लेक्चर सीरीज़ इसमें एक क्वेश्चन रह गया था हमारा एक कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को करवा दूँ ये क्वेश्चन है दो और हमें इस पर क्वेश्चन आता है कि एल जी कॉस थीरा की कम्यूटेशन रिलेशन जो है कॉज फाइव के कम्यूटेशन रिलेशन वो इसके इक्वल आनी चाहिए तो हमें कम्यूटेशन रिलेशन हम कैसे निकालते हैं हम कह देते हैं कि हमारे पास ए बी माइनस बी ए होता है तो ए ये है बी ये है ए बी ए बी माइनस बी ए ये लिख दिया जब हम कम्यूटेशन रिलेशन सिंपल तरीके से ना निकल रहे हैं तो हम उसको जब मेथड डिटेल में सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं कोई भी एक फैक्टर जो होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो मैंने साई और फाई जो है एक फैक्टर है ये पूरा एक ही फैक्टर है मैंने इसको ले लिया और इसके साथ क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाई करवा दिया होता कैसे है कि ये मैंने इस तरह से ली हुई है इसको खोल के लिखा हुआ है आपके पास क्या होता है एल जी कोज़ ऑफ़ फाई इसके साथ भी साई और फाई मल्टीप्लाई होता है और हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि ए बी माइनस बी ये साई ऑफ फाई हो गया अब ये इसके साथ हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा ये इसके साथ होगा और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा अब अगर आप यहाँ पे देखो आपके पास एल जी की वैल्यू क्या होती है एल जेड आपके पास होता है हमने इसको प्रूफ भी किया माइनस आयोटा एचगट पार्शल ओ और पार्शल फाई आपने यहाँ पर एल जेड की वैल्यू पुट कर दी जो कि हमारे पास हो जाएगी ये चीज़ अभी मत लिखो माइनस एच कट पार्शल ओवर पार्शल फाई कॉस फाइ ये चीज़ एज इट इज़ आ गई ये भी एज इट इज़ आ गई एल जेड की जगह अगेन हमने माइनस आयोटा कट पार्शल ओवर पार्शल फाइव लिख दिया यहाँ से हमने माइनस आयोटा कट को क्या ले लिया कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह जाएगा ये चीज़ और यहाँ से सिर्फ ये चीज़ जो है बाहर कॉमन गई है बाकी एज इट इज़ नीचे आ गया अब अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास ये चीज़ क्या बनती है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल ये एक टर्म है और एक ये एक ये एक टर्म है ठीक है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इसके ऊपर क्या करना है इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आप देख सकते हो कि मैंने फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखा सेकेंड का डेरीवेटिव लिया तो ये फाई के रिस्पेक्ट से लेंगे इसको तो साई बाहर आ जाएगा ठीक है इसके ऊपर डेरीवेटिव अप्लाई हो गया साई जो है वो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर लिख दिया फाई के ऊपर अप्लाई हो गया प्लस प्रोडक्ट डौ, डौ, रूल में क्या होता है प्लस होता है फिर उसके बाद प्लस साई और फाई जो है वो एज इट इज क्योंकि ये अब सेकंड टर्म है सेकंड टर्म एज इट इज है मुझे कॉस फाई का डेरिवेटिव लेना है तो पार्शियल और पार्शियल फाई कॉस फाई लिख दिया मैंने माइनस कॉल्स फाई पार्शल ओ और पार्शल इसके ऊपर जो है आप लोग डायरेक्ट डेरिवेटिव हो रहा है इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लग रहा ठीक है ये इस तरह से आ गया अप्लाई नहीं करना आप लोग सिंपल लिखना क्योंकि कटिंग हो जाएगी अभी ओके okay, उसके बाद यहाँ आप देखो तो कोल्स फाए इसका डेरिवेटिव जो होता है वो वन हो जाएगा तो कोल्स फाई और साय si आ गया माइनस साय फाई कॉल्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन तो ये माइनस हो गया और ये साइन फाइ आ गया यहाँ पे अगर आप देखो तो कॉल्स फाई और इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा फाइव के सॉरी फाइव वन हो जाएगा साई रह जाएगा सिर्फ तो कोस फाइव ये वाला आ गया और ये वाला साई आ गया अब यहाँ पे ये चीज़ जो है वो कैंसिल हो रही है आयोटास के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस आयोटा एच कट साइन फाइव और ये वाला जो फैक्टर था हमने यहाँ पे मल्टी ये वाला साइफाई ये हमने क्या किया था फैक्टरी हमने मल्टीप्लाई करवाया हुआ था इसको आप यहाँ से कैंसिल कर दो क्योंकि हमने इंट्रोड्यूस करवाया था सिर्फ इसको सॉल्व करने के लिए अब ये ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास एल जी कोज फाइव आ गया आईओटा एच गड साइन ऑफ फाई नेक्स्ट क्या है कि एल जी साइन टू फाई इक्वल आना चाहिए इसके इसके, इसके अगेन हम क्या कर देंगे ये वाली साइड लेंगे अब इस साइड पर क्या किया ए बी माइनस बी ए लिखा मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ ए बी माइनस बी ए बी क्या है ए क्या है एल जेड तो एल जेड की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख दी आयोटा माइनस आयोटा एच गड पार्शल ऑफ और पार्शल फाइव साइन टू फाइव माइनस बी ए साइन टू फाइव और ये चीज़ एल जेड की वैल्यू आ गई अगेन यहाँ से माइनस फाइव होटा एज कर कॉमन ले लोगे पीछे क्या रह जाएगा पार्शल और पार्शल फाइव साइंस के साइन टू फाइव और यहाँ पे आपने एक फैक्टर को मल्टीप्लाई करवा देते हैं जो कि हमने साई हो गया जैसे ऊपर मल्टीप्लाई करवाया था फाइव साई को यहाँ पर हमने साई को मल्टीप्लाई करवा दिया अब साइन टू फाइव ये फाइव हो जाएगा माइनस साइन टू फाई पार्शल और पार्शल फाइव साई ये तो कॉमन हो गया था पैर चला गया था इसलिए इसको यहाँ नहीं लिखा अब इधर क्या हो रही है इस पर अब डेरीवेटिव अप्लाई करोगे तो साइन टू फाई का डेरीवेटिव क्या हो जाएगा कॉस टू फाई साथ में टू पे भी लगेगा क्योंकि ठीक है ऐसे आ रही है टू हो जाएगा प्लस अब यहाँ पे एक दफ़ा हमने साइन का डेरिवेटिव लिया अब एक दफ़ा किसका लेना है इसका अब पार्शल और पार्शल फाइव आई साए और साइन टू फाइव एज एज इट इज़ आ जाएगा ठीक है यहाँ हमने क्या लगाया प्रोडक्ट रूल लगाया ये चीज़ आ गई एज इट इज़ अब अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास ये चीज़ इससे कैंसिल हो रही है आपके पास ये रह गया अगेन इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ तो कर टू माइनस आई ओटैच कट कॉस टू फाइव टू फाइव किसके को लगा कॉस् स्केर फाइव माइनस साइन स्केयर फाइव अब यहाँ से आपके पास आंसर में क्या है साइन स्क्वेयर पहले है तो साइन स्क्वेयर को पहले लिखने के लिए माइनस को बाहर लिखना पड़ेगा माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा टू आई ओटा एच कट साइन स्क्वेयर फाइव माइनस को स्क्वेयर फाइव